नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत अफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, ईमानदार जुझारू, नेक दिल, लगनशील, कर्मठ, गरीबों के मसीहा, गजराज सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9, चुनाव चिन्ह आरी पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बार, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन, पत्नी मशकून अब्बासी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह केतली पर मुहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाया। बिजनौर के नजीबाबाद में आगामी 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर उप जिलाधिकारी परमानंद झा ने नजीबाबाद के कासमिया इंटर कॉलेज व किरतपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल व स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थल पर एक कक्ष में 3 टेबल रहेगी, जिसमें जिला पंचायत बीटीसी प्रधान पद के लिए एक एक टेबल लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 2 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पंचायत चुनाव के सभी परिणाम 24 घंटे के अंतर्गत घोषित किए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव के प्रत्याशी व उनके एजेंटों के पास बनने को लेकर कोविड-19 की आरटीपीसीआर व एंटीजन जांच करने के लिए मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी व एजेंट पीएचसी व सीएचसी अस्पताल समीपुर पर जमा हो गए। पीएचसी व सीएचसी पर कोरोना टेस्टिंग किट की कमी होने के कारण प्रत्याशियों व एजेंटों को निराश होकर लौटना पड़ा। प्रत्याशियों की मांग थी कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए या फिर कोरोना के एंटीजन रिपोर्ट टेस्ट के आधार पर एजेंटों व प्रत्याशियों को मतगणना में प्रवेश दिलाया जाए। जब हमारी संबंध में एसडीएम परमानंद झा से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि पीएचसी व सीएचसी पर प्रतिदिन कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। आज भीड़ अधिक होने के कारण कुछ टेस्टिंग किट की कमी आई है, जिसको लेकर सीएमओ बिजनौर को अवगत कराया गया है। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाएगी। बिजनौर से सलमान की रिपोर्ट। मैं विक्रांत चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का जिला सह मीडिया प्रभारी और नजीबाबाद से स्थान है मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद में। जो भीड़ लगी है प्रत्याशियों की और रिपोर्ट जो हो रही है उसमें कुछ समस्या आ रही है, बताइए क्या समस्या? समस्या जो आ रही है, मैं लगातार 3 घंटे से खड़ा हूँ क्योंकि कुछ हमारे परिचित हैं, उनके जब फोन गए तो मुझे स्वयं आना पड़ा। व्यवस्था तो खैर ठीक है नहीं यहाँ की। अभी एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, अगर आरटीपीसीआर जांच ये मांग रहे हैं वहाँ अभिकर्ताओं के लिए, तो ये संभव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 100 किट आई थी, 100 की 100 खत्म होगी और अभी भी भीड़ देख लो आप, कम से कम 500 की भीड़ यहाँ खड़ी हुई है और 500 की भीड़ है, 100 किट आई थी। कल को प्रशासन से शिकायत की आपने उस संबंध में? प्रशासन से खुद स्वयं मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम नजीबाबाद से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि डीएम साहब से बात करेंगे कि ये जो रैपिड जांच है एंटीजन, यही मान्य हो जाए, क्योंकि किट जो है आनी अब संभव नहीं है। अगर आएंगी भी तो 150 की आएंगी, तो बाकी का क्या होगा आप देखिएगा, चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइएगा। ठीक जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पीएससी आए थे, आज क्या समस्या है? जी पीएससी हम इसलिए आए थे, मेरा छोटा भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा है, यहाँ पे कोरोना टेस्ट, समस्या क्या है? कोरोना के लिए टेस्ट कराने के लिए आए थे, यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 100 किट आई थी जो खत्म हो गई है और अब कोई टेस्ट होने का कोई चांस नहीं है। क्या मांग है स्वास्थ्य विभाग? हमारी स्वास्थ्य विभाग से मांग है, हमारी प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग है कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे ये एजेंट बनने में कोई दिक्कत ना हो। अभी तक जो माननीय निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त है, इससे यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 2 मई को ही होना है। यहाँ किरतपुर ब्लॉक और नजीबाबाद ब्लॉक तो यहाँ संभावित ही यहीं पर होगा। मतगणना स्थल का चयन कर लिया गया है, यहाँ पर कासमिया इंटर कॉलेज में होगा, 24 कमरे में होगा और हम लोग न्याय पंचायत वार्ड, गांव पंचायत और बूथ वार्ड ये प्लान बना लिए हैं। उसी तरह किरतपुर में भी 11 टेबल पर हमारे सभी पंचायतों का मतगणना होगी। व्यवस्था पूरी करा ली गई है, सीसीटीवी लगवा दिया गया है और ये पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी हमारे पुलिस की भी। और हम आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि सभी जो प्रत्याशी हैं और उनके मतगणना अधिकर्ता हैं, अपना टेस्ट करा लें और टेस्ट कराने के बाद ही आए और इकट्ठा ना आ जाएं। सभी लोगों की वहाँ से घोषणा की जाएगी, जब गांव पंचायत वार घोषणा होगी
तभी अंदर मतगणना स्थल पर प्रवेश करें और कम से कम भीड़ लेकर के आए, क्योंकि कोविड संक्रमण बहुत तेज फैल रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी बनाए। जैसे सर पीएससी और सीएससी पर प्रत्याशी पंचायत चुनाव का आए थे और एंटीजन रिपोर्ट के लिए और आरटीपीसीआर के लिए, तो किट वगैरह सर आज शॉर्टेज थी, उसके बारे में क्या बताइए सर? हाँ, ये मेरे संज्ञान में लाया गया, कुछ शिकायतें भी आई थी, मैं स्वयं गया था दोनों जगह, सीएससी में भी और पीएससी नजीबाबाद में भी, और ये शिकायत जो झूठी थी, जो शिकायत थी कि पैसे लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ 12 लोगों के बयान भी अंकित किए, किसी ने ये शिकायत नहीं की है। हाँ, इतना जरूर है कि कमी थी, 100 ही वाइल उनके पास था और 94 का वैक्सीनेशन हो चुका था। आरओ द्वारा यह घोषणा की गई है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही कोई मतगणना कर्मी मतगणना अभिकर्ता या प्रत्याशी अंदर आएगा, इस कारण मारामारी हो गई है। पहले से ही 10 दिनों से कहा जा रहा है सब करा लें, लेकिन क्योंकि कोविड संक्रमण भी बहुत ज़्यादा तेज फैल गया, लोगों में अब जागरूकता फैल रही है, सब लोग उमड़ रहे हैं सीएससी की ओर अपना, तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये करवा लें और हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं कि वाइल एक दो दिन में ही उनकी आ जाए और आरटीपीसीआर टेस्ट सही लोग करा लें। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर, वीर गतिशील समाजवादी लोहिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, इसरार चौहान अब की बार। इसरार चौहान प्रधान पद के उम्मीदवार गांव आसिफाबाद चंदपुरा को किताब के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।